अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ कैरी का इंस्टेंट अचार। कैरी का इंस्टेंट अचार है ये, झटपट बन जाता और एक महीना भर आप रख के इसको ताज़ा खा सकते। ये साल दो साल नहीं रहता, सिर्फ एक महीने के लिए काफ़ी है। और इसको रिश्तों का भी अचार बोलते हैं। और ये बड़ी कैरी है, बड़ी साइज की है और बहुत खट्टी है। इसमें गुठली बन गई तो साइडों से कट कर लेंगे। खट्टी है कैरी ये बहुत, इसको छिलके के साथ बड़े पीसों काट लेंगे। इसके अंदर गुठली बन गई, अगर गुठली नहीं है तो जो इसकी वो चीक रहती है उसको निकाल के आप कद्दूकस कर लेना। अब क्या करेंगे, इसको छिलके के साथ इसको धो के सुखा लेना। पहले छिलके को, कैरी को धो के सुखा लेना। देखिए इस तरह से हम सारी कैरी को मोटे जगह से करना, बारीक जगह से कद्दूकस नहीं करना। जो हिस्सा मोटा रहता कद्दूकस करने का उससे कर लेना। इस तरह से सारा कर लेंगे, करेंगे ये कद्दूकस कर ली में छिलके के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी है। अब नमक को और हल्दी को इसमें अच्छा मिला लेंगे। अब इसको अच्छा मिलाने के बाद इसको कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब इसके मसालों को रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून मेथी है। मसालों का पाउडर बना लेंगे और एक डली में ली लहसुन की, इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए 1 घंटा मैं इसको इस तरह से छोड़ दी। अब इसमें से जो पानी है इसका पानी रिलीज हुआ। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्ची, तेज़ मिर्ची है ये, आप अपने हिसाब से डालना, लेकिन मिर्ची ज़्यादा ही लगती है। और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली, जो मसाले अचार के बताई थी वो अचार के पाउडर भी इसमें मिला देंगे। ये इंस्टेंट अचार है, बहुत मज़े का बनता, बहुत कम टाइम में जरी देर में बन जाता है ये, और 1 महीना रख के आप आराम से खा सकते हैं। मसाले डालने के बाद ही इसमें से बघारने से पहले खुशबू बहुत आ रही है, मसालों की खुशबू बहुत अच्छी है। अब बघार के लिए मैं ली 2-3 ड्राई मिर्ची है, 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून है राई, 1 टीस्पून जीरा है, 5-6 लहसुन की कलियाँ। चलिए अब बघार के लिए मैं 1 कप ऑयल ली। अब ये बघार के सारी चीज़ें डाल दी, जीरा और लहसुन को डार्क होने देंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, तेल ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज़रा कम होने के बाद लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ज़रा सा ऑयल हमारा थोड़ा कम हुआ, बहुत गर्म था, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। कच्चे लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसके जो फ्राई होते वक्त जो कच्चा लहसुन का पेस्ट है बहुत अच्छी खुशबू आती है, अचारों की खुशबू आती है। अब उस इसमें डाल देंगे कैरी, जो मसाले डाल के रखे थे। अब इसको मिला लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है ये कैरी के अचार की, आप ज़रूर बनाइए, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अभी इसको 1-1/2 घंटा छोड़ने के बाद इसमें और थोड़ा जूस छूटता। कैरी का अचार तैयार है, इंस्टेंट अचार। आप इसको गरम गरम खाना, घी के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरियों के साथ इसको रख सकते हैं। अब रमज़ान आने वाला है, इंशाल्लाह आप बना के साइड में रख सकते हैं। जिसको चटपटा, खट्टा और चटपटा पसंद है वो इसको ले खाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से, आप ज़रूर बनाइए। कैरी के अचार की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।